जय मेटाफोर्स में आपका दोस्त रवि रविंद्र, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेघारी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। बहुत कंफ्यूजन था बिट फोर्स माइनिंग को लेकर, बहुत सारी दिक्कतों का सामना कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। किसी का एनटीसी क्लेम नहीं हो रहा है, किसी का मशीन नहीं दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमें, जैसे ही हम यूनाइटवर्स के पेज पे आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे शो होता है और इसमें कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है तो समझते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपका जो MFS में जो बैलेंस है वो यहाँ पे आपको शो करता है। उसके बाद में ही यहाँ पे अगर आपके वॉलेट में डाई है तो यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे क्वांटम ऑरो जो आपका यहाँ पे शो होता है, और यहाँ पे आपका बिट फोर्स जो माइनिंग होने के बाद में यहाँ पे शो होगा। दोस्तों इसके नीचे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा EQN यहाँ पे शो होगा। दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो अर्निंग बटन दिया गया है तो वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा। अभी मैं टैब के अंदर आपको ये बता रहा हूँ, उसके कारण हो सकता है डिस्प्ले आपको थोड़ा सा चेंज दिखे। और इधर ऊपर हमारा क्वांटम वेव जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि 1 से लेकर 88 तक ये मीटर यहाँ पे चलता है, और 88 होने के बाद में फिर से 0 हो जाता है और फिर से वेव स्टार्ट होता है। दोस्तों ये वेव है, ये ऑटोमेटिकली ये वर्किंग करता है, इसमें कुछ करना नहीं है हमें। हमें केवल ये देखना है कि हमारे कितने टीयर यहाँ पे एक्सटेंड है। दोस्तों आपके जितने टीयर एक्सटेंड है यहाँ पे आपको ये बता देगा। जैसे कि यहाँ पे 2 टीयर जो यहाँ पे एक्सटेंड हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो टीयर एक्सटेंड नहीं है तो कुछ इस तरीके की रेडी बता रहा है, ये एक्सटेंड हमारे नहीं है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 9 टीयर है, तो हमारे 2 टीयर यहाँ पे एक्सटेंड है। तो चलिए, ये मेरा आईडी नहीं है दोस्तों, ये डेमो आईडी है, उसके कारण यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए हम सबसे पहले अर्निंग में जाते हैं। अर्निंग में जाने के बाद में जैसे अर्निंग को हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे खुल जाता है। दोस्तों यहाँ पे उल्टी गिनती स्टार्ट होती है, जैसे कि 24 घंटे का मीटर यहाँ पे चलता है। जैसे ये 0-0 होता है तो यहाँ पे जो क्लेम का बटन जो अभी हाइड आपको दिखाई दे रहा है ये शो होता है, और फिर आपको यहाँ से NTC क्लेम करना होता है। ठीक है, ये उल्टी गिनती जैसे मैंने आपको कहा ये वो मीटर है, जबकि लगभग 10 घंटे अभी इसको बचे हुए हैं मुझे क्लेम करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ समझने वाली है कि ये हमें NTC यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस कितना NTC ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा ये समझते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हम जितने ज़्यादा टीयर करेंगे उतना NTC ज़्यादा हमें यहाँ पे अर्निंग होता है। जैसे 1 टीयर हमारे पास है, 1 टीयर अगर हमारे पास है तो यहाँ से 0.34 इतना NTC हमारा यहाँ से अर्निंग होगा। लेकिन अगर आप 2 टीयर करते हैं तो दोस्तों इसका लगभग 3 गुना यहाँ से हमें NTC अर्निंग होगा। तो इस चीज़ से हम जितना ज़्यादा टीयर करते हैं उतना ज़्यादा NTC हमें यहाँ से अर्निंग होगा। अब ये कैसा होगा, जैसे 1 टीयर में 0.34 मिल रहा है, दूसरे टीयर में हमें क्या मिलेगा, 0.034 मिलेगा। अब ये 3.4 या 3.5 जो भी है, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, प्लस ये प्लस होगा। इस तरीके से ये हमें अर्निंग यहाँ से NTC का जनरेट होगा। फिर अगर 4 अगर टीयर करते हैं तो इसी हिसाब से इसी अनुपात में ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं जितने ज़्यादा टीयर आपके हैं उतना ज़्यादा माइनिंग का हिस्सा, उतना ज़्यादा NTC आपको मिलेगा, और उतना ज़्यादा बैटरी आप चार्ज कर पाएंगे, और उतना ज़्यादा आपका माइनिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। हम चलते हैं अभी बैटरी कैसे चार्ज करना है। बहुत सारे लोगों ने NTC क्लेम कर लिया है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं किया, तो दोस्तों कैसे करना है, चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, इसको ऊपर की तरफ हम लेते हैं। ऊपर ये नहीं जा रहा है, चलिए यहीं पर बटन हमें मिल गया है, इसको हमें क्या करना है, इंटर टीयर को हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे इसको हम क्लिक कर देंगे तो हम चले जाते हैं टीयर के अंदर। तो टीयर के अंदर जैसे हम जाते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, तभी आप पूरी जानकारी यहाँ से ले पाएंगे। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने की है, जैसे कि ये जो वेव है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे कितने टीयर है वो हमें यहाँ पे दिखता है, और हमारे पास एक्सेस की कौन सी है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू डोंट हैव सिंगल चिप इन्वर्टेड इन दिस क्वांटम वेव। तो यहाँ पे जब 88 हो जाते हैं तभी ये वेव स्टार्ट हो जाती है, कि यहाँ पे हमारा जो सिंगल चिप है
वो यहाँ से इसमें ऐड हो जाता है और बाकी लोगों का मिल के यहाँ पर ये वेव चलता है। ठीक है, इसके नीचे हमें देखना है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है क्वांटम वेव स्पेस है। जैसे वेव तैयार हो जाती है तो फिर यहाँ से ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्वांटम स्पेस है, ऑरो प्रोसेसिंग मशीन है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये ऑरो प्रोसेसिंग मशीन है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि NTC हम इसमें डालेंगे तो इसमें से प्रोसेसिंग होके ऑरो हमें मिलेगा। तो इसको क्वांटम ऑरो प्रोसेसर प्रोसेसिंग इसे कहा गया है। अभी यहाँ पे आपके पास कितने मशीन है वो आपको यहाँ पे बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑल पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑल पे दो दिखाई दे रहे हैं, इन प्रोग्रेस में हमें यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं और कंप्लीट में हमें यहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बैटरी चार्ज करना है आपको, तो आपको क्या करना है, इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। हो सकता है कुछ आंकड़े कम ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखे। आपको क्या करना है, गो टू प्रोसेसर को क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको गो टू प्रोसेसर को क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक कर देते हैं, चलिए मैं क्लिक करके बता देता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे खुलेगा। अभी आपके मेरे पास जैसे कि दो मशीन है तो ये हो सकता है आपको एक मशीन दिखाई दे, या हो सकता है आपको दो मशीन दिखाई दे, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको टाइमर दिया गया है, 3 दिन का ये टाइमर होता है। अभी लगभग ये पहला जो टाइमर है मेरा ये 8 दिन का बचा हुआ है और दूसरा जो टाइमर है ये लगभग 29 दिन का यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी चार्ज करना है, मतलब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए अपग्रेड का बटन हमें दिखाई दे रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये अपग्रेड का बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। कैसे क्लिक करना, इस तरीके से आपने क्लिक कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चीज़ें आपको देखनी है, जैसे कि आपको देखना है आपके पास यहाँ पे NTC कितना है। अब यहाँ से आप सेट मैक्स यानी कि इसको पूरा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमें ओरो कितना बनेगा ये हमें यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो हम इसको माइनस करके देखते हैं, नहीं हमारे पास बहुत ही कम है, अभी इससे बैटरी चार्ज नहीं होगा। ये मिनिमम 1 होना चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए तभी आप यहाँ से बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ये वाला अभी ये हमारे पास 0.55 है तो इसलिए वजह से ये चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों NTC हमें क्यों मिलता है और हमें क्यों इधर डालना है। NTC देखिए एक एनर्जी है जो हमारी बैटरी चार्ज करता है और बैटरी चार्ज करने से ओरो प्रोसेसर चलता है और फिर उसने से ओरो हमें मिलने वाला है और उसके बाद में हम बिटफोर्स की माइनिंग करने वाले आगे हो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए NTC जो है हमारी बैटरी की एनर्जी है जिसको हमें NTC जैसे ही प्राप्त होता है तो बैटरी को हमें रिचार्ज कर लेना है। अभी आपके पास जितना NTC एक पॉइंट भी हुआ है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। अभी इसको अगर ये पूरे में नहीं बता रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा उसको चार्ज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का क्लियर हो गई। चलिए अब हम चलते हैं इससे बाहर, बैक आ जाते हैं। हम पूरा ही बाहर आ गए। चलिए एक बार फिर से वॉलेट हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये वॉलेट कनेक्ट नहीं होगा, नीचे का वॉलेट हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए वॉलेट हमारा कनेक्ट हो गया है फिर से। तो दोस्तों हमें क्या देखना है, जैसे कि इंटर टियर को हमने क्लिक कर दिया, अभी ऊपर का जो ओरो प्रोसेसिंग मशीन हमने देख लिया। ठीक है ना, ये मशीन हमने देख लिया है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे क्या होता है। अभी हम देखेंगे बिट फोर्स माइनिंग का जो मशीन है, ये बिट फोर्स माइनिंग का ये मशीन है, ये अभी तक स्टार्ट किसी का भी नहीं हुआ है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर 0-0 ही बता रहा है और यहाँ पे ऑल इन प्रोग्रेस कंप्लीट, ये स्टार्टिंग ही नहीं हुआ है, स्टार्ट माइनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए हमें फोकस करना है, हमारा जो ओरो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर ही हमें फोकस करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही फिलहाल हमें काम करना है। NTC जैसे प्राप्त होता है हमें बैटरी चार्ज कर लेना है और बैटरी चार्ज करने से जैसे कि मैं अभी बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ दिखेगा आपका कितना ओरो बनेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग को मैंने क्लिक कर दिया है और जैसे प्रोसेसिंग को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। तो दोस्तों जैसे
अपग्रेड को हम क्लिक कर देते हैं, जैसे ये अपग्रेड है इसको हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ और हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अभी चलिए इसको पहले को हम टच कर देते हैं क्योंकि दूसरे में तो बैटरी नहीं है। ठीक है, अभी इसका बैटरी चार्ज है लेकिन यहाँ पे फील को टच कर देते हैं तो ये एरर आता है। अगर एनटीसी आपके पास कम है तो आपको भी ऐसा एरर यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे ओरो शो नहीं हो रहा है कि हमारा कितना ओरो बनेगा। चलिए इसको प्लस कर देते हैं हम। चलिए बैक ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे एनटीसी नहीं है, ये बोल रहा है यू डोंट हैव इनट एनटीसी। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम इतना 0.1 यहाँ पे अगर अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पे प्लस 25 ओरियो 0.25 ओरियो हमारा यहाँ से जनरेट होगा। अभी इसको थोड़ा सा हम मीटर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये देखिए एक पॉइंट बढ़ा दिया तो 0.50 51 ओरो हो गया। इसको मैक्स कर देते हैं हम, देख लेते हैं कितना ओरो हमारा यहाँ से बनेगा। ठीक है, पूरा बैटरी चार्ज होने के बाद में देखिए पूरा बैटरी चार्ज होने के बाद में आपको 2.57 ओरो यहाँ से मिलता है। और फिर ओरो को हमें प्रोसेसिंग करना है। हो सकता है कि ओरो जैसे कि हमारे पास EQN है वो मिला के आगे का जो मशीन है उसका प्रोसेसिंग हो और फिर वहाँ से बिट फोर्स बनने वाला है। दोस्तों बिट फोर्स ऐसे ही जनरेट नहीं होगा, और मैं आपको बता दूं बिट फोर्स कहीं आपको पैसे देके नहीं मिलने वाला है। जो माइनर्स है, जो माइनिंग करने वाले हैं, जो एक्टिव यूजर्स है, उन्हीं के पास बिट फोर्स रहेगा। माइनिंग से ही आपका बिट फोर्स जनरेट होगा। दोस्तों ये बात आपको समझ लेना है कि जो माइनिंग करेंगे उन्हीं के पास बिट फोर्स रहने वाला है। और दूसरी चीज़ बिट फोर्स का जो क्वांटिटी है बिट फोर्स का जो क्वांटिटी है दोस्तों वो 2 करोड़ 10 लाख है। जैसे कि आपको पता है जो हमारा MFS है इसका क्वांटिटी था 58 करोड़, बर्न करके ये हमारे पास बचा है 46 करोड़, है ना। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 22.5 रुपये से MFS स्टार्ट हुआ था और आज लगभग 1000 रुपये इसका प्राइस है। लगभग 1100 गुना इसने रिटर्न दिया है, जबकि इसका क्वांटिटी 58 करोड़ है, 46 करोड़ बचा है अभी, 46 करोड़ है। ठीक है, थोड़ा सा रेड कर दे दो ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये 46 करोड़ फिर भी इसने इतना हमें रिटर्न दिया। दोस्तों आप समझ सकते हैं बिट फोर्स का जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, यानी कि वो 2.1 CR ही है। तो आप समझ सकते हैं बिट फोर्स का प्राइस आने वाले समय में क्या हो सकता है। अभी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि बिट फोर्स ला रहे ही क्यों है भाई, MFS है, फोर्स कॉइन है, जैसे कि बिट फोर्स आ जाएगा तो इसका प्राइस कम हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, बिट फोर्स मार्केट में नहीं आएगा, आपका फोर्स कॉइन ही मार्केट में रहेगा। लेकिन जब फोर्स कॉइन बना था तब हमारे पास ना ब्लॉकचेन थी, हमने पॉलीगॉन पे उसको मल्टी माइनिंग द्वारा लॉन्च किया है। लेकिन अब हमारी कम्युनिटी बढ़ गई है, हमारा कॉइन बढ़ गया है, उसका प्राइस इतना सारा बढ़ गया है, तो हमारा खुद का बिट फोर्स ब्लॉकचेन बन रहा है। दोस्तों बिट फोर्स ब्लॉकचेन हमारा बन रहा है, और बिट फोर्स जब ब्लॉकचेन बनता है तो गैस फीस के लिए कॉइन भी हमारा होना चाहिए, और वो कॉइन है बिट फोर्स, जो कि हमें गैस फीस के लिए आने वाले समय में लगेगा। और बिट फोर्स स्वैप करेंगे तो MFS में ही स्वैप होगा और मार्केट में हमारा MFS ही कॉइन रहेगा। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिट फोर्स क्यों आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करें कि कॉइन हमारा MFS ही रहेगा, लेकिन हमारा खुद का ब्लॉक चेन, गैस फीस, जो चीज़ें चाहिए होती है वो सभी करना भी ज़रूरी है। इसके कारण बन रहा है हमारा बिट फोर्स का खुद का ब्लॉक चेन, जिस पे होगा गैस फीस के लिए हमें लगेगा बिट फोर्स। तो दोस्तों हर ट्रांजेक्शन को आपको बिट फोर्स लगेगा, तो आप समझ सकते हैं इसका क्वांटिटी काफ़ी कम है। तो जैसे कि आपको पता है BNB का प्राइस क्या है, इथेरियम का प्राइस क्या है, उसी तरीके से आने वाले कुछ समय में आपको बिट फोर्स का जो प्राइस है वो आसमान छूते हुए ज़रूर दिखेगा। हो सकता है इसमें समय लगे, साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे।
तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको पैसे नहीं डालना है, केवल आपके टीयर आपको एक्सटेंड करने हैं। और टीयर एक्सटेंड करने से आपको यहाँ पे एनटीसी अर्निंग का मौका मिल रहा है, और एनटीसी अर्निंग करके आप यहाँ से माइनिंग कर सकते हैं, आपकी बैटरी चार्ज करके बिट फोर्स माइनिंग कर सकते हैं, और बिट फोर्स पाने का मौका आपको यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों देखिए, आपको जेब से कुछ नहीं लगाना है, जो आपने अर्निंग किया है थोड़ा फार पैसे यहाँ पर टीयर एक्सटेंड करके इस चीज़ को आपको शुरू करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि बिट फोर्स क्या है, हमें क्यों करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें करना है कि आने वाले समय में बिट फोर्स एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन यहाँ पे होगा। हर जगह पे बिट फोर्स में हर ट्रांजेक्शन को बिट फोर्स कॉइन ही यूज होगा। और कभी भी बिट फोर्स को आप बिट फोर्स माइन भी कर लीजिए, स्वाइप भी करेंगे तो MFS ही आपका बनने वाला है। और MFS खरीदी करना अभी तो जैसे कि 1000 तक इसका प्राइस जा रहा है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि यहाँ से हम बिट फोर्स अर्न कर सकते हैं और माइनिंग कर सकते हैं, और उससे फिर हम फोर्स कॉइन में बदल सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों यूनाइट वर्स में जो बिट फोर्स माइनिंग का कंसेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। और चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखना है, ताकि थोड़ा सा ये भी आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे इसका टाइमर चल रहा है, लगभग 45 डेज का है। यहाँ पे जो क्वांटम वेव स्टार्ट मशीन जो है, यहाँ पे एक मशीन रेडी बता रहा है। अभी ये नेक्स्ट मशीन है, यहाँ पे 46 लोग आ चुके हैं, यहाँ पे 256 जैसे हो जाएंगे तो दो मशीन यहाँ पे रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी ये चीज़ को समझना है, जैसे कि पहले में हमें बताया गया था कि 256 चिप लगती है, तो यहाँ पे 256 चिप लगती है। दूसरे वाले में हमें 128 चिप लगती है। मैं बता देता हूँ, ये देखिए 128 चिप लगती है। यहाँ पर भी एक मशीन हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमारे दो मशीन जो पहला है और दूसरा, दो मशीन रेडी यहाँ पे हुए, दो मशीन वहाँ पे भी रेडी हो चुके हैं। जिससे हमारे पास NPC क्लेम हो जाएगा, तो हम उसका बैटरी चार्ज करेंगे तो माइनिंग वहाँ से ओरो का हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे अभी 92 यहाँ पे चिप अवेलेबल हो चुके हैं, 128 हो जाएंगे। अब ये मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी के हैं, तो 128 जब हो जाएंगे तो हमारा ये दूसरा मशीन भी यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से, और अभी इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम टीयर ले लेंगे, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, चलिए आपको बता देते क्या मिल रहा है। एक्सटेंड को क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल रहा है जैसे कि एक्टिवेशन चिप आपको मिल रहा है। एक्टिवेशन चिप आपको क्यों लगने वाला है, जैसे कि एक्टिवेशन चिप आपको माइनिंग के लिए यहाँ पे लगने वाला है। चिप एक्टिवेशन द क्वांटम वेव स्टार्ट मशीन, उसके लिए चिप लगने वाला है। एक्सेस की मिल रहा है आपको, 30 डेज इसका समय मिल रहा है आपको। और प्लस जैसे कि अगर आपके टीम में, आपके स्ट्रक्चर में कोई आता है तो पेमेंट आपको यहाँ से, जैसे हम $50 का पहला टीयर एक्सचेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 50% में हमें ये एक्टिवेशन चिप मिल रही है, एक्सेस की मिल रही है, और 50% ये हमारे कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। अभी वो कहाँ पे हम देख सकते हैं कैसा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमें कहीं से अर्निंग हुआ कहाँ से हम देखेंगे। थोड़ा सा इसको बैक ले लेते हैं, चलिए हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए गो टू गेम ऐप का ऑप्शन हमें मिल जाता है, इसको जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे खुल जाता है। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं आपका डेल्टा, चलिए स्क्रीन को थोड़ा नीचे ले लेता, ये आपका डेल्टा है, ठीक है ना। अभी ये डेल्टा, यहाँ से आप डेल्टा देख रहे हो, अभी डेल्टा में अभी कितने लोग हैं क्या है ये आपको सभी यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे ही 1 को टच करेंगे तो आपको 1 का जो टीयर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है ना। अभी 1 टीयर में लगभग इतने लोग यहाँ पे है, ये भी लगभग यहाँ पे 62 लोगों का ये स्ट्रक्चर है। अगर डेल्टा बड़ा हो जाता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। ये 2 नंबर का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये 2 नंबर के स्ट्रक्चर में आए हुए लोग हैं यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिटेल जानकारी हमें आती है। और जैसे कि ये अभी जब मैंने इसको एक्टिवेशन किया, 2 नंबर का जो टीयर है तो ये यहाँ पे हमें शो होता है। मैंने एक्सटेंड किया पहला टीयर तो ये यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और जो अर्निंग जनरेट हुआ यहाँ पे डेट के हिसाब से आपको ये बता देता है, ठीक है इस तरीके से। तो अर्निंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना अर्निंग हुआ है, क्या हुआ है।
और आपने कब एक्टिवेशन किया, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाई देती है। तो फिर से हम क्या कर लेते हैं, बैक ले लेते हैं और फिर से मेन पेज पर आ जाते हैं। इसी तरीके से हम सब टीयर का यहाँ पे देख सकते हैं, और जितने ज़्यादा टीयर रहेंगे दोस्तों उतना NTC ज़्यादा आपको मिलेगा, उतने मशीन आपको ज़्यादा मिलेंगे, उतने की आपके पास ज़्यादा रहेंगे और उतनी क्वांटिटी में बिटहॉर्स आप माइनिंग कर पाएंगे। तो आपकी इच्छा है, आपके इच्छे अनुसार आपको जितने भी टीयर आपको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा बिटहॉर्स होनी चाहिए तो ज़्यादा टीयर लीजिए, आपके हिसाब से आप टीयर यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों खास बात जो हमें ध्यान रखनी है, NTC का जो टाइमर है ये उल्टी गिनती यहाँ पे चालू रहता है, और आज अगर 12 बजे को आपने किया है तो कल 12 बजे फिर से आपको उसको टच करना है और वहाँ से फिर आपका NTC आपको क्लेम कर लेना है। जैसे मेरा जो समय है कुछ सवेरे 5:30-6 बजे का है, अभी लगभग 9 घंटे बाकी है, तो जैसे ये टाइमर आ जाता है तो ये क्लेम को टच कर देते हैं, यहाँ से ये NTC हमारे इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर से इसकी उल्टी गिनती शुरू होती है। तो हमारे एक्टिविटी हमें दिखानी, क्योंकि माइनिंग है, माइनिंग का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमारी उपलब्धि दिखानी होती है, क्योंकि एक्टिव यूज़र कितने हैं इसी के माध्यम से काउंट होता है। अगर बाय चांस आप लेट हो जाते तो उतना समय आपका चला जाता है, उतना NTC आपको कम मिलता है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि दोस्तों बिटफोर्स के बारे में जो भी आपके सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे, अगर कुछ बचे हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।